ऑल अबाउट द ज्वेलरीज दैट आई वोर थ्रू आउट माई वेडिंग फंक्शन. इसमें मैं आपको हल्दी, संगीत एंड शादी में मैंने क्या पहना वो सारी ज्वेलरीज आपको दिखाऊंगी. एंड मैं सारे डिटेल्स इंक्लूडिंग द प्राइस, द वेंडर डिटेल्स, सब कुछ मैं प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगी. आपके पास कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगी. सो विदाउट डिलेइंग लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जो पहली ज्वेलरी है वो ये हार है. दिस इज कॉल्ड रानी हार और ये कुंदन में है. ये मैंने 3 लेयर का लिया. पहले मैं 5 लेयर का लेने वाली थी बट मैंने 3 लेयर का ही लिया क्योंकि ये ज्यादा बेटर लगा मुझे. तो इसमें जो बीड्स मैंने डलवाए हैं वो है ग्रीन कलर का. मेरा जो लहंगा था शादी का वो मैजेंडा कलर का था, लाइक डार्क पिंक, बहुत ही ज्यादा डार्क पिंक. एंड उसके साथ ग्रीन काफी अच्छा लगता तो इसलिए मैंने ये वाला बनवाया है. और इसमें सारे व्हाइट यू नो पर्ल वाले बीड्स लगे हुए हैं. तो दिस इज द सेकेंड पीस दैट आई डिसाइडेड टू वेयर विथ माई लहंगा. सबसे अच्छी चीज ये कि इसमें ग्रीन कलर का नग है तो ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहा था रानी हार को. सो इसकी इयररिंग्स भी प्यारे हैं बट मुझे ऐसा लुक नहीं चाहिए था. मुझे झुमके पहनने थे तो मैंने अपने लिए झुमका अलग से बनवाया. झुमका पहनने से लुक तो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है. सो आई रियली वॉन्टेड टू वेयर झुमका फॉर माई वेडिंग डे. यू नो मतलब इंस्टेंटली अगर आप एक कुर्ते पे भी झुमका पहनो तो कितना प्रेटी लगता है. सो दिस इज द झुमका एंड इट्स सो प्रेटी. यू नो इट्स सो प्रेटी. ऑल्दो थोड़ा हैवी है बट काफी प्यारा है. एंड दिस इज अगेन फ्रॉम एन ज्वेल्स एंड दिस इज अगेन कुंदन. थर्ड थिंग इज द मांग टीका. अगेन आप देखो इसमें पिंक और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है और ये काफी प्रिटी है. मतलब अगर मैं इसको डालूं तो आप देखो इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है. मतलब ये एक स्टेटमेंट मांग टीका है और इसमें भी पर्ल्स लगे हुए हैं. बहुत सारे चेन वाले होते हैं प्लेन चेन वाले पर मुझे पर्ल्स वाले ही चाहिए थे ताकि यू नो एक वो जो लुक आता है ना सबका. ऑल दो सारे यू नो डिजाइंस बिल्कुल अलग हैं बट उसका लुक बहुत अच्छा आता है. नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द नथ. सो मेरे नाक में छेद दी है तो मैंने ये दबाने वाला नक लिया है एंड इट हैज दिस प्रिटी फॉल राइट हेयर पोल्स का. एंड यहाँ पे मैंने आप देखो यहाँ पे भी पिंक कलर के यू नो नग लगे हैं. सो दिस इज ऑल्सो कुंदन. एक्चुअली मुझे सबसे ज्यादा टेंशन इस बात की हो रही थी कि मैंने इतना बड़ा नथ ले तो लिया है पर ये मुझ पर अच्छा लगेगा कि नहीं अच्छा लगेगा. और ये जब मैंने लगाया था तो ये बार बार गिर रहा था बट मेरी जब सी ओके तो जब मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने इसको लगाया बिल्कुल हिला तक नहीं. बहुत अच्छे से उन्होंने दबा के बिल्कुल फिट कर दिया था. बहुत प्यारा लग रहा था. आप जरूर देखना अगर आपके नाक में छेद नहीं है तो आपको छोटा वाला नथ चाहिए या बड़ा वाला नथ चाहिए क्योंकि इसमें भी काफी सारे वेराइटीज आते हैं. सो यू विल रियली गेट कंफ्यूज. सो डू यू रिसर्च बिफोर बाइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स. जो मैंने मांगटीका दिखाया, जो मैंने नथ दिखाई है, सब एन ज्वेल्स का है. सिर्फ जो वो पर्ल वाला चोकर था वो ज़वेरी पर्ल्स का है. अभी बात करते हैं संगीत में मैंने क्या पहना. तो संगीत में मैंने ये वाला नेक पीस पहना एंड इट हैज वेरी ब्यूटिफुल लाइट पिंक कलर यू नो स्टोन ओवर हेयर और सारे बीड्स और काफ़ी प्रिटी सेट है ये. ये मैंने संगीत में पहना था अपने येलो वाले लहंगे के साथ और ये बहुत प्यारा लग रहा था. सो यू कैन सी हाउ प्रिटी इट इज. इसमें शाइन बहुत अच्छा है एंड रात में पहनने के लिए बहुत ही बढ़िया. और ये सेट भी एंजल से ही लिया मैंने. इसके साथ जो इयररिंग्स है इट्स अ स्ट्रेट इयररिंग. मतलब इट्स नॉट अ झुमका और एनीथिंग लाइक दैट बट ये भी बहुत प्यारा लग रहा था. तो हल्दी के लिए मैंने ये वाला नेक पीस पहना है एंड ट्रस्ट मी दिस इज फ्रॉम ज़वेरी पर्ल्स. बट ये ज्वेलरी इतना प्रिटी लग रहा था मेरे लहंगे के साथ. आई हैव द पिक्चर राइट.
हेयर तो आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा लग रहा था एंड दिन में इस ज्वेलरी का लुक बहुत ही अच्छा आ रहा था। एंड सबसे बेस्ट चीज है इसके इयररिंग्स जो है ये झुमके, सो दिस वॉज इट फॉर माई ज्वेलरी कलेक्शन फॉर माई वेडिंग। मैंने ये सारी ज्वेलरीज पहनी है अपने पूरे वेडिंग फंक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, आई होप यू ऑल लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, कॉमेंट बिलो एंड ऑल्सो शेयर विद फ्रेंड्स। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी आउटफिट वीडियो ऑफ कोर्स, सो स्टे ट्यून्ड, बाय।